मैं इस वीडियो बीपीएससी से बहाल इन शिक्षकों के अंक पत्रों की होगी जांच, डॉक्यूमेंट्स के साथ डीओ ऑफिस पहुंचने का आदेश। मधेपुरा जिले के करीब 350 शिक्षकों के सीटेट में प्राप्त अंकों की जांच की जाएगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। अंक पत्रों की जांच के लिए 9 और 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। शिक्षकों को अपने साथ जरूरी प्रमाण पत्र लाने को निर्देश भी दिया गया है। जी हां दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूं। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 347 शिक्षकों का सीटेट में है 60% से कम अंक। 9 व 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ डीओ ऑफिस पहुंचने का निर्देश। जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 347 शिक्षकों के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में प्राप्त अंक की जांच की जाएगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। जी दोस्तों, जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 347 शिक्षकों के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में प्राप्त अंकों की जांच की जाएगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों की सूची को जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों की जांच की जानी है। इसे लेकर 9 और 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अंक पत्र की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सीटेट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आधार व पैन कार्ड सहित मूल प्रति व एक प्रति सभी प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यह दोस्तों, उन्होंने बताया कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। अंक पत्र की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सीटेट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आधार व पैन कार्ड सहित मूल व एक प्रति सभी प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों में बिहार से बाहर के चयनित हुए शिक्षकों का 60% मार्क्स सीटेट में होना अनिवार्य है। 60% से कम मार्क्स होने पर ऐसे चयनित शिक्षकों को चयन मुक्त करने की बात कही गई है। बहाली में अनियमितता का आरोप, बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण में 347 शिक्षकों को सीटेट में 60% से कम अंक रहने के बाद भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह शिक्षक बहाली में विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग बिहार के विभिन्न जिलों में 7000 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द किया जा चुका है। अभी ऐसे में सरकार को चाहिए कि लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सप्लीमेंट्री की जो मांग की जा रही है, उन्हें अतिशीघ्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। बीपीएससी से बहाल इन शिक्षकों के अंक पत्रों की होगी जांच, डॉक्यूमेंट के साथ डीओ ऑफिस पहुंचने का आदेश। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।